ऐसा आया था कि उनको ना को इमरजेंसी काम के लिए जाना पड़ा, इसलिए वो ना क्लास नहीं ले सके। कहते सर को इन्फॉर्म कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा चले, ये हमने कल यहाँ से स्टार्ट करना था, हमने जिसमें हमने देखना था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन देखनी थी क्या होती हैं। रिलेशन का कल हम कॉन्सेप्ट जो है वो हम देख चुके हुए हैं, जो उसका मतलब एक जनरल जनरल पर्सपेक्टिव है वो भी, और जो मैथमेटिकल है वो भी, वो दोनों चीजें हम देख चुके हुए हैं। अब आपके दिन में ये होना चाहिए कि जो हम जो बात करेंगे रिलेशनशिप, उससे मुराद हमारी होगी कि वो डेटाबेस का एक टेबल है। मतलब ये इस चीज को आप लेके चलें, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट, अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट उसको हम लेके चलेंगे तो वो फिर ज्यादा बेहतर होगा। कंप्यूटर साइंस में ये चीज जो है वो बहुत कॉमन है कि चीजों को एक्चुअल जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है या एक्चुअल उसकी डिटेल है, उसकी वजह से सिर्फ उसको एब्स्ट्रैक्टली जो है वो देखते हैं। उससे फायदा ये होता है कि उनको फिर उनको हैंडल कर, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हैंडल करने में आसानी रहती है। अदरवाइज हमें पता है कि जिस तरह से हमने कल कल की क्लास में हमने देखा था कि एक रिलेशन क्या है कि हमारे पास दो सेट होने चाहिए, एक लेट से एक D1 है एक D2 है, तो हम क्या करते हैं कि D1 क्रॉस D2 करते हैं, इनका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। अब ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये तो है दो दो कह लेना कि दो सेट्स हैं, तो इसमें इस तरह से पेयर बनेंगे, आप कह लें कि इस तरह से एक्स वाई पेयर होंगे, वो भी हमने सारा देखा था कि सच डैट के एक्स बिलोंग्स टू D1 एंड वाई बिलोंग्स टू D2, इस तरह से जो है वो होगा। तो जो जो भी कार्टेशियन जो इसके जो इसके पेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे इस तरह से होंगे। अच्छा, उसमें से फिर हम क्या करते हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम एक जो है ना वो क्या करते हैं, एक सबसेट ले लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कह देते हैं। मैथमेटिकली ये रिलेशन है, और जो अगर हम जो डेटाबेस की टर्म में बात करते हैं उसकी उस टर्म में ये एक टेबल है, और अगर आप इसको मजीद अगर देखें तो ये एक टेबल जो है वो एक एंटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो दिस इज द डेप्थ, ये जब हम डेप्थ पे नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम हमारा जो मकसद है कि जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो उससे हमारा मकसद जो है वो ये होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ टेबल। अब उसकी जो फर्दर उसकी जो डिटेल्स हैं उसको बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि यदि वो रिलेशन है ये ऐसे है ये क्या हो गया, दिस इज नाउ अंडरस्टूड कि हम किस चीज के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? रिलेशन एज अ नेम दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशन नेम्स इन द रिलेशन स्कीमा। इसका मतलब है कि दो रिलेशन ऐसे नहीं होंगे जिनके नेम जो है वो सेम हो। डिस्टिंक्ट का मतलब ये कि सबके नाम जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड, ठीक है। उसमें मतलब उसका मतलब ये है कि एक ही टेबल में स्टूडेंट, एक ही जो डेटाबेस है उसमें स्टूडेंट नाम के दो टेबल नहीं हो सकते, एक ही टेबल होगा जिसका स्टूडेंट नाम होगा, या अगर कोई भी एक जो टेबल है वो सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा जो है वो नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा होते हैं तो फिर जाहिर बात है कंफ्यूजन होगी कि डेटा किस किसका डेटा जो है वो ज्यादा रिलायबल है, या हम किसको जो है वो मेनली यूज कर रहे हैं। ईच सेल ऑफ द रिलेशन कंटेन एग्जैक्टली वन अटोमिक वैल्यू। अटोमिक हम उसको कहते हैं कि जिसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको फर्दर जो है वो सब डिवाइड नहीं कर सकते। अक्सर आपने फॉर्म्स में देखा होगा, जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो उसमें एक्चुअली आप पूछते हैं, वो आपको कहते हैं कि अपना फर्स्ट टाइम बताएं और अपना लास्ट टाइम बताएं, इस तरह से होता है। तो डू यू नो कि इसकी रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम क्यों पूछते हैं वो? बाज़ का तो मिडिल नेम भी कह देते हैं, अपना मिडिल नेम भी बता दें कि व्हाट इज योर मिडिल नेम। एनीबॉडी कैन टेल द रीजन, व्हाट इज द रीजन? वो ये क्यों नहीं कहते कि अपना नेम इंटर कर दें, व्हाई डोंट दे से कि अपना नेम इंटर कर रहे हैं जी? एनीबॉडी जी प्लीज। नो आइडिया सर। अच्छा, उसका ये होता है कि जब आपका फर्स्ट नेम है, जैसे लेट्स से कि जी मेरा पूरा नाम जो है वो ये है, इस तरह से मैं उसको जो है वो लिखता हूँ आफ्ताब अकरम, दिस इज नॉट एटॉमिक, दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू टू वर्ड्स, एक वर्ड नहीं है, टू वर्ड्स है। तो अब उसको अगर हम इस तरह से, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेल में अटोमिक वैल्यू होगी जिसको हम डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिवाइड इट, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, दिस कैन बी डिवाइडेड। हम इसको इकट्ठा नहीं लिख सकते, ये स्पेस देना जरूरी है, अदरवाइज इसका कोई जो है वो मीनिंग मतलब नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि ये अगर लेट्स से कि ये एक एट्रीब्यूट है नेम का, तो जब हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं, अभी हमने डिजाइनिंग के फेज पे जो है वो हमने जाना है, तो उसमें जाके हम ये देखेंगे कि अगर एक एट्रीब्यूट है, हम देख रहे हैं कि उसके अंदर अटोमिक वैल्यूज नहीं आ रही, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उस एट्रीब्यूट को हम डिवाइड कर देते हैं इंटू टू और मोर एट्रीब्यूट, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ कि देखा गया कि अगर हम सिर्फ नेम का एट्रीब्यूट लेते हैं ना तो उसमें एटॉमिक वैल्यूज नहीं आएंगी, तो
तो फिर उसके वजह से फिर हमें क्या करना पड़ा कि हमें उस एट्रीब्यूट को डिवाइड करना पड़ा इनटू टू एट्रीब्यूट्स, जिसमें एक फर्स्ट नेम हो गया, दूसरा लास्ट नेम हो गया। ठीक है, अब ये इस तरह से है कि फर्स्ट नेम जो है वो जो है उसको फिर हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल कि इसको जो है वो हम मजीद जो है वो डिवाइड कर लें। तो इस वजह से क्या है कि दिस इज है एटॉमिक वैल्यू। इसी तरह से एड्रेस की फील्ड है, तो एड्रेस जो है वो अगर आप देखें तो अक्सर इस तरह से होता है कि उसमें भी इसी तरह से होता है कि उसमें मतलब स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट उसका जो है स्ट्रीट और हाउस नंबर, और इस तरह से जो है उसमें जो है वो पीओ पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स नंबर जो है वो, या सिटी जो है वो, इस तरह से होते हैं। तो इसकी भी रीज़न ये है कि जो एड्रेस है ये पूरा, ये एटॉमिक, इसमें एटॉमिक वैल्यूज नहीं होंगी। तो हमने इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि जो इससे फिर फर्दर जो ऐसे कॉलम्स बने वो सारे के सारे उसके अंदर एटॉमिक वैल्यूज हो। तो हम इसको उस वक्त तक डिवाइड कर देंगे जब तक कि हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यू जो है वो नहीं है। तो दिस इज द रीजन, उसमें जो है वो एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए जिसको कि आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर उस पे सब डिविजन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ईच एट्रीब्यूट एज डिस्टिंक्ट नेम विद इन अ रिलेशन, हर एट्रीब्यूट का जो उसका जो नेम होगा, एक ही नाम के दो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो नहीं होंगे। दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड, द वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट आर फ्रॉम दिस सेम डोमेन। तो एक जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज है वो डोमेन से होंगी, ये भी हमने कल जो है डिस्कस कर लिया था। ईच टुपल इज डिस्टिंक्ट, हर टुपल जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिकॉर्ड जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डुप्लीकेट टुपल्स जो है वो नहीं होने चाहिए। ये भी कल भी हमने थोड़ी सी इसके बारे में बात की थी कि हम इसको इंश्योर करते हैं कि ऐसा जो है वो नहीं हो कि डुप्लीकेट टुपल्स जो है वो ना आए। तो वो हम उसके लिए हमने वो फॉरन जो प्राइमरी की वगैरह वो हम उसको जो है वो डिफाइन करते हैं। द ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैज नो सिग्निफिकेंस। जनरली इस तरह से होता है कि जो ऑर्डर जो हम लिखते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, वो हम क्या करते हैं अभी हम आगे चल के देखेंगे कि जो प्राइमरी की होती है उसको पहले लिखते हैं और जो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको फिर बाद में लिख देते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको वेरी कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट डजंट मैटर, द ऑर्डर ऑफ टुपल्स हैज नो सिग्निफिकेंस थ्योरेटिकली। अच्छा, इसमें ये है कि टुपल आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये होता है कि थोड़ा सा बाजू का इस तरह से होता है कि अगर आप कोई कोई डेटा है तो उसको अगर आपको फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है तो उसको फिर ये होता है कि उसकी कैशिंग कर ली जाती है। कैशिंग की वजह से क्या होता है कि ये पॉसिबल है कि कुछ जो कुछ टुपल्स जो है ऊपर आ जाए बाकी टुपल्स जो है वो पीछे रहे। तो इस वजह से कैशिंग की वजह से हो सकता है कि उसको थोड़ा सा उसकी एक्सेस जो है वो थोड़ी स्पीड अप करनी है। तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि कुछ ऑर्डर ऑर्डर मैटर करे कि जो जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस है उनको आप पहले रख लें ताकि उनको उनको एक्सेस करने में आसानी हो, और जो नॉन फ्रिक्वेंट जिनके एक्सेस होती है उनको जरा बाद में रख लें। अदरवाइज थ्योरेटिकली स्पीकिंग ऑर्डर ऑफ टुपल्स ये मैटर जो है वो नहीं करता, ना ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स मैटर करता है, ना ऑर्डर ऑफ टुपल्स जो है वो मैटर करता है। सो दिस इज द जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। इसके बाद हमने बात करनी है रिलेशन की, इसकी अभी भी हम बात कर रहे थे। तो ये डिफरेंट हैं, उसके क्या क्या पर्पज हैं वो हम जो है वो देख लेते हैं। अ की इज एन एट्रीब्यूट विद इन रिलेशन दैट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टुपल इन अ रिलेशन। उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम की कह देते हैं, यानी की इज एक्चुअली एन एट्रीब्यूट। तो वो हम उसकी जो है वो हम बात कर रहे हैं कि की भी एक एट्रीब्यूट ही है, जो रिलेशन के एट्रीब्यूट उन्हीं में से कोई एक एट्रीब्यूट है। और उसका पर्पस क्या है, पर्पस उसका ये है कि जो टुपल है उसको हमने यूनिकली आइडेंटिफाई करना है ताकि कोई टुपल जो है वो रिपीट ना हो जाए। अच्छा, उसमें ये है कि सबसे पहले होता है कि सुपर की होती है, सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टुपल विद इन अ रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली कंसीडर करते हैं कि जो सारे जो टुपल्स है ना वो सारे के सारे सुपर की हैं, दे आर पार्ट ऑफ द लार्जर सेट। तो उसको हम जो है ना सुपर की कह देते हैं। तो उसका मकसद ये है कि ये सारे मिलके जो है ना हर हर रिकॉर्ड को एक जो उसके अंदर जो रिलेशन के अंदर टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर कोई रिकॉर्ड रिपीट होता है तो वो फिर उसको फिर वो ऐड करने नहीं देता बिकॉज के वो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। अ सुपर की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच टुपल विद इन अ रिलेशन, बट सुपर की इज नॉट अ सिंगल कॉलम, वो एक सिंगल कॉलम नहीं होता, एंड अदर कॉलम्स मे नॉट बी यूज फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो अगर हम उसमें सुपर की में देखें तो हम क्या करते हैं कि अगर हम सबको देखें सारे कॉलम्स को देखें तो उसमें कुछ कॉलम ऐसे होंगे जिनकी जरूरत नहीं है, मतलब वो उनको हम
उनका पर्पस जो है वो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है वो आ सकती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स लें, यानी कि रिलेशन के सारे कॉलम्स को यूज ना करें। इन वर्स्ट केस ये हो सकता है कि सारे कॉलम्स यूज हो सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आइडियली आइडियल सिचुएशन ये होती है कि सिर्फ एक कॉलम जो है उसको एज आप एक जो की के तौर पर जो है उसको इस्तेमाल करें। तो सुपर की कह लें कि ये दिस इज अ लार्जेस्ट सेट, वो सारी कीज आप कह लें कि इनिशियली क्या होता है कि जितने भी वो आप कह लें कि जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे उसको आप कह देते हैं दिस इज अ सुपर की। अच्छा, उसमें से सुपर की में से हम क्या करते हैं कि हम चूज करते हैं उन उन कॉलम्स को के जिनको के हम प्राइमरी की जो है वो हम उसको बना सकते हैं। एक्चुअली हमने बनाना प्राइमरी की उसको हम कह देते हैं कैंडिडेट की। अब हम क्या करते हैं कि वन बाय वन चेक करते हैं हर कॉलम को कि इसका इस कॉलम में क्या ये हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो यूनिक वैल्यूज इसके अंदर जो है वो आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं। जैसे हमने कल जो है वो एक एग्जाम्पल की थी, एक जो है वो हम एक कर रहे थे, मेरे ख्याल में मैं इसको ओपन करता हूँ, जैसे ये वाली है। तो इसमें हमने देखा था कि अगर हम देखें लेट्स से कि जिस सिटी का नेम जो है वो यूनिक हो सकता है, तो सिटी का नेम यूनिक जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि एक सिटी में एक से ज़्यादा ब्रांचेज हो सकती हैं। जैसे आप ये देखें कि लंदन के अंदर दो ब्रांचेज हैं, तो दिस कैन नॉट बी पिन। पोस्ट कोड जो है क्या ये यूनिक हो सकता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल है कि ये यूनिक हो सकता है कि अगर एक स्पेसिफिक हम ये लिमिट कर दें कि एक स्पेसिफिक जो पोस्ट कोड है उसके अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच हो, लेकिन ये भी जो है वो ज़रूरी जो है वो नहीं है। बाज़ुकात इस तरह से होते हैं कि बैंकिंग की ऑपरेशनल ब्रांचेज होती हैं और बाज़ुकात बैंकिंग बैंक्स के जो है वो नॉन ऑपरेशनल ब्रांचेज होती हैं और वो क्लोज भी हो सकती हैं एक दूसरे के, एक ही एरिया के अंदर भी जो है वो हो सकती हैं। स्टेट एड्रेस हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन बाज़ुकात इस तरह से होता है कि कोई रोड है, जैसे हमारे यहाँ कोई अगर आप देख लें तो कोई कोई ऐसी रोड है कि जो कि एक एक ही सिटी पर, जैसे लाहौर में भी एक माल रोड है फॉर एग्जांपल, और इसी तरह से पिंडी में भी माल रोड है, ठीक है। ये दो सिटीज हैं और सिटीज डिफरेंट है लेकिन उनके जो रोड के नेम है वो सेम है बिल्कुल। इस तरह से पॉसिबल है कि वो जो स्ट्रीट एड्रेस है या स्ट्रीट नंबर जो है वो सेम वो सेम जो है वो हो सकते हैं। तो ये भी हम इसको, ये कैंडिडेट की हो सकती है। इसमें अब देखना है कि हमने कि कैंडिडेट की कौन कौन सी है। स्टेट एड्रेस मे भी कैंडिडेट की, अगर हम इसको ज़्यादा डेप्थ में ना जाके देखें। पोस्ट कोड जो है वो हो सकता है, इसी तरह से ब्रांच नंबर जो है वो कैंडिडेट की हो सकता है। अब हमने इन तीनों दीज आर एक्चुअली द कैंडिडेट कीज, कि इनमें से किसी एक को फिर हमें चूज करना है इस प्राइमरी की। जब हम फर्दर इसको हम करते हैं तो हम कहते हैं तेरी जो पोस्ट कोड है दिस कैन नॉट बी प्राइमरी की, स्टेट एड्रेस जो ये भी प्राइमरी की नहीं हो सकता, हाँ ब्रांच नंबर जो है वो हो सकता है। तो ये हमारी बन जाएगी प्राइमरी की, इसको हम कह देंगे पीके। और ये वाली जो दो है जिनको कि हमने इनिशियली कैंडिडेट की कंसीडर किया था, तो इसको हम कह देंगे दीज आर अल्टरनेट कीज, ठीक है। तो इनिशियली तो है यूनिक होनी चाहिए। हाँ जी, वो मैं उसकी मैं आपको बता देता हूँ अभी अभी, ये अगली जो है उसी से रिलेटेड जो है वो हम बात करते हैं। तो पहले हम बात कर रहे थे कैंडिडेट की, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि सुपर की का एक सबसेट होता है, दिस इज अ सुपर की का एक सबसेट है। इनिशियली जो सुपर की होती है वो आप समझ लें कि उसमें जो रिलेशन की सारी कीज हैं वो सारी की सारी उसके अंदर शामिल होती है। तो जो कैंडिडेट की है फिर उन्हीं में से हमको ऐसी कीज को हम सेलेक्ट करते हैं कि जिनमें उसमें ये दो प्रॉपर्टीज हैं वो होनी चाहिए। ये जो कैंडिडेट की है इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं होनी चाहिए, एक यूनिकनेस कि उसमें जो है वो वैल्यू वो यूनिक होनी चाहिए, और दूसरी क्या है कि इरिड्यूसेबल। इरिड्यूसेबल का मतलब ये कि फर्दर हम उसको जो है वो हम उसको डिवाइड जो है वो हम उसको नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम ये स्टेप बाय स्टेप डिजाइन प्रोसेस में चलते हैं ना, कि सुपर की से हम लेते हैं कैंडिडेट की, उसका एक्सेप्टेंस लेते हैं जिसको हम कह देते हैं कि दीज आर द कैंडिडेट की, फिर उस कैंडिडेट की से हम क्या करते हैं कि फिर हम प्राइमरी की जो है वो चूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि when there are several candidate keys for a relation, when a key consists of more than one, ये क्या होगा इसको, when a key consists of more than one attribute, we call it a composite key. अच्छा, अगर इस तरह से हो कि अगर तो एक ही कॉलम, अच्छा इसमें
होता है इस तरह से कि आमतौर पे एक ही कॉलम उसी को हम प्राइमरी की जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन बाज़ुकात इस तरह से होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही कॉलम को एज अ प्राइमरी की यूज कर सकते, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम दो कॉलम यूज कर सकते हैं, फिर हम उसको कंपोजिट की कह देते हैं, दैट इज अ कंपोजिट की। तो प्राइमरी की तरफ आते हैं, पहले द कैंडिडेट की दैट इज सिलेक्टेड टू आइडेंटिफाई टू पर्सन यूनिकली विद अन रिलेशन। तो ये एक्चुअली क्या होती है कि ये उसी सेट में से होती है, उसी कैंडिडेट की में से होती है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ब्रॉडली मैंने जो है वो बता दिया, ये भी पॉसिबल है कि एक कैंडिडेट की एक ही हो और उसी को आप प्राइमरी की जो है चूज कर लें। मैंने आपको जस्ट वो एक थोड़ा सा इस सेंस में बताया कि इट इज पॉसिबल कि जो कैंडिडेट की है वो एक से ज्यादा हो सकती हैं, उसमें से फिर जो आप क्या करें कि उसमें से चूज कर लेंगे, ठीक है ये वाली जो है ना ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है और इसको हम इसको जो है वो एज हम प्राइमरी की जो है वो ले सकते हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर एक कॉलम इनफ नहीं है तो आप दो कॉलम उनको कंबाइन करके देख सकते हैं कि इन दोनों कॉलम को कंबाइन करके हम प्राइमरी की बना सकते हैं, अगर इस तरह से हो तो फिर हम उसको कह देते हैं दिस इज अ कंपोजिट की, ये कह देते हैं प्राइमरी की प्रॉपर्टीज। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो कैंडिडेट कीज होती है जिनको कि हम एज अ प्राइमरी की सिलेक्ट नहीं करते, हम उसको ऑल्टरनेट कीज कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अच्छा प्राइमरी की जो प्रॉपर्टीज है ये भी अभी हम आगे चल के देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमने अभी वो नल वाला जो है ना वो डिस्कस करना है, जो एक नल वैल्यू का होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी की में सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर जो जो भी वैल्यू होगी वो यूनिक होगी, तो रिपीट जो है वो नहीं हो सकती। जैसे हमने ब्रांच नंबर अभी हमने वो टेबल में देख रहे थे, तो जो ब्रांच नंबर है एक्चुअली वो हमारी प्राइमरी की है, तो उसमें हमने ये देखना है कि क्या ब्रांच नंबर रिपीट हो सकता है। जिस तरह से हमारा आप समझ ले कि आईडी है आपकी, स्टूडेंट आईडी है, या जिस तरह से हमारे आईडी कार्ड्स हैं इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो यूनिक होता है, वो रिपीट नहीं होता किसी भी पर्सन को। इस तरह से नहीं होता कि एक पर्सन है तो उसको दो एलोकेट कर दिए जाए या दो पर्सन को एक ही आईडी दे, इस तरह से जो है वो नहीं होता। तो इसलिए हमने जो भी कॉलम चूज करना है वो हमने इस तरह से चूज करना है कि वो यूनिक हो। जब भी अगर कोई नई ब्रांच खुलती है, चाहे उसी सिटी के अंदर खुलती है या उसी पोस्ट कोड के अंदर खुलती है, तो उसका ब्रांच नंबर जरूर डिफरेंट होगा, चाहे उसका एड्रेस सेम हो, चाहे उसका सिटी सेम हो, जो भी हो, लेकिन उसका जो उसकी जो आप कहने के जो ब्रांच नंबर है वो डिफरेंट होगा। जब भी नई ब्रांच खुलेगी वो नए कोड के साथ जो है वो खुलेगी। अच्छा, एक तो ये कि यूनिक होगा, दूसरा ये है इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं नोट नल। नोट नल का मतलब है कि इसके इसके अंदर हमें वैल्यू देना जरूरी है, हम इस तरह से नहीं कर सकते कि कोई वैल्यू इसके अंदर ना दें। नल का मतलब होता है नो वैल्यू, ठीक है। ये आपको मैं ये चीज बता दूं कि जो स्पेस है वो भी एक वैल्यू है और जीरो है वो भी एक वैल्यू है, दीज आर आल्सो वैल्यू, दीज आर नॉट, इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यूज नहीं है, ये भी वैल्यूज है। नल का मतलब है कोई वैल्यू नहीं है, तो इस तरह से पॉसिबल ही है ये नॉट नल जो है वो नहीं हो सकती, जो प्राइमरी की है ये नल नहीं हो सकती। हाँ, जो बाकी जो नॉट जो जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो नल हो सकते हैं, उसके अंदर आप चाहे कोई वैल्यू ना दें इट्स ओके, वो उस पे उससे जो है वो कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो ये चीजें हैं, बाकी इसके अंदर जो मजीद चीजें उसको हम आगे चल के देखते हैं। फॉरन की होती क्या होती है कि जो जो आप कह रहे हैं कि जो बेस टेबल में जो प्राइमरी की होती है वो जब दूसरे दूसरे टेबल में जाती है तो फिर उसको हम उसको कह देते हैं फॉरन की। तो नॉर्मली होता इस तरह से है कि ये हम किस लिए करते हैं, हम दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये जिस तरह से हमने कल भी ये देखा था, मैंने वैसे थोड़ा सा आपको इसके बारे में ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप ये देखें कि यहाँ पे ये बेस टेबल है, ये जो ब्रांच का है, तो इसके अंदर से हमने क्या किया है कि इसकी जो प्राइमरी की थी इसको हमने स्टाफ के टेबल में एज फॉरन की जो है वो हमने इसको ऐड कर दिया। और इसका पर्पस ये है कि इस तरह से हम इन दोनों टेबल्स को आप कंबाइन कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टाफ को मतलब बता सकते हैं ये स्टाफ किस ब्रांच से बिलोंग करता है। अच्छा, अब जब ये फॉरन की बन जाती है ना प्राइमरी की, फिर इसमें कुछ चेंजेस, कुछ आप कह लें कि कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो थोड़ी सी ईज आउट हो जाती है। उसमें क्या है कि ये जब फॉरन की होती है तो इसकी वैल्यू से वो रिपीट हो सकती है, जब ये प्राइमरी की होती है तो वैल्यू रिपीट नहीं होती, लेकिन जब फॉरन की होती है तो फिर वैल्यू से वो रिपीट हो सकती है। और दूसरा ये हो सकता है कि फिर इसकी वैल्यू नल भी हो सकती है, इसमें आप नल का मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो वैल्यूज कौन सी रिपीट हो सकती हैं फॉरेन की में, जी कौन सी वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं फॉरेन की में? नहीं, फॉरेन की में मैं कह रहा हूँ वैल्यूज रिपीट, जो भी फॉरेन की वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे यहाँ पे ब्रांच नंबर है तो ये आप देखेंगे ब्रांच नंबर जो है ये रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे कि जब ये अपने बेस टेबल में है, ब्रांच टेबल में जिसके अंदर ये प्राइमरी की है,
तो वहां पे कोई भी वैल्यू जो है रिपीट नहीं होगी, ना रिपीट होगी ना नल होगी। लेकिन जो फॉरन की होगी तो तब क्या होगा कि ये इसमें वैल्यूज रिपीट भी हो सकती हैं, क्योंकि जो एक से ज्यादा स्टाफ है वो एक ही ब्रांच में हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ये रिपीट हो सकती है। दूसरा ये कि नल भी हो सकती है, नल का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय आया है वो नया भी आया, तो उसको कोई ब्रांच अभी एलोकेट नहीं हुई है, तो बजाय कि जबरदस्ती उसको कोई ब्रांच एलोकेट करने के आप उसको नल कर दें कि अभी इसको कोई ब्रांच एलोकेट हुई, बाद में उसको जो है वो अपडेट करना है। ठीक है, तो प्राइमरी की बेस टेबल में जो प्राइमरी की होती है, और जो जब ये दूसरे टेबल में जाती है जिसके साथ कि आप दो जिसके जरिए आप दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं, तो फिर हम उसको कह देते हैं दिस इज अ फॉरेन की। अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं, उसको भी जो है वो हम डिस्कस करते हैं। प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया। अच्छा ये देखें जी, तो ये आगे जी स्कीमा आ गया, रिप्रेजेंटिंग रिलेशन डेटाबेस स्कीमा। तो इसमें रिलेशन डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ नॉर्मलाइज रिलेशन। नॉर्मलाइज तो हमने बात की थी कि उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड डुप्लीकेट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं। फिर हमने वो ये भी हमने इंश्योर करना है कि हर एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज होने चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज है वो होनी चाहिए, तो वो हम फिर उसको नॉर्मलाइज करते हैं। इसका मैंने आपको बताया था कि ये स्टेजेस है डिफरेंट, उसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इस तरह से हम उसको जो है वो कह देते हैं। उसको भी इंशाल्लाह जो हम देखेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल। ये एक मॉडल आप इसमें देखें कि इसके अंदर सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कि ये रिलेशन का नाम है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और जो जो की एट्रीब्यूट है, जो प्राइमरी की है, उसके वो अंडरलाइन हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें ऑर्डर इसका कोई लिखने का कोई नहीं है कि इसमें ऑर्डर के आपको किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, लेकिन जो एक कन्वेंशन है जनरली हम क्या करते हैं कि जो प्राइमरी की है उसको पहले लिखते हैं और बाकी की इसको उसके बाद जो है वो हम लिखते थे। तो यही देखेंगे कंसिस्टेंट यही जो चीज़ फॉलो की है कि जो पहला पहला एट्रीब्यूट है और वो अंडरलाइन है वो प्राइमरी की है, तो यहाँ पे बताया। अच्छा, दूसरा ये है कि जो फॉरेन कीज हैं वो उसका कोई आइडेंटिफिकेशन होती है, वो हमें हम वैसे हम देख के बता सकते हैं कि ये फॉरेन की है। जैसे आप देखेंगे स्टाफ का भी हमने देखा था, तो ब्रांच नंबर है तो इसका मतलब है ये फॉरेन की है। इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके अंदर दो फॉरेन कीज हैं, ये जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है इसमें स्टाफ नंबर और ब्रांच नंबर, ये दोनों जो है ये क्या है, ये जो है ये फॉरेन कीज हैं। इस तरह ये और ओनर नंबर भी है, क्योंकि ये जो प्राइवेट ओनर है यहाँ से, ये तो तीन फॉरेन कीज है। तो ये एक्चुअली हमने क्या किया कि इसको तीन टेबल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ब्रांच, स्टाफ और प्राइवेट ओनर, इस तरह से। तो इस तरह से हमें जो पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पे देखें ये व्यूइंग है, तो ये एक्चुअली हमने एक टेबल बनाया जिसमें कि हमने वो हमने अब इस तरह से कह लें कि दो, ये एक्चुअली कोई नया टेबल नहीं है, इसमें से जो इसके अंदर जो जो आ रहा है आप कह लें कि जो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस तरह से है कि वो क्लाइंट नंबर और उसकी प्रॉपर्टी, किस क्लाइंट ने किस प्रॉपर्टी को जो विजिट किया, और सिंपली हम उसकी डेट और कमेंट जो है उसको हम सेव कर लेते। तो इसके अंदर जो है ये दो जो है वो प्राइमरी, दो प्राइमरी कीज है। तो उसका उसका जो है वो मकसद सिर्फ ये है कि ये एक एक कॉलम जो है ये इनफ नहीं था इसको एज आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमने ये दो कॉलम जो है ना वो एज प्राइमरी की जो हमने कर ली। इस तरह से इस टेबल के अंदर भी जो है वो दो दो जो है वो क्या है, ये दो जो है ये दोनों कॉलम जो है दीज आर प्राइमरी। तो ये दिस इज आवर स्कीमा, इस तरह ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल होगा। अब आगे इसमें क्या है, आगे सिंपल इसमें ये है कि हमें पता है कि जो भी रिकॉर्ड होगा, जैसे अगर हम ब्रांच के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि पहले ब्रांच नंबर होगा, फिर स्ट्रीट नंबर होगा, फिर सिटी नंबर होगा, फिर पोस्ट कोड होगा। तो इस तरह से जो है ये रिकॉर्ड इस तरह से जो है प्रोसीड करेगा। तो ये हमारी होगी कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। अच्छा, तो उसके बाद अगर आप आए तो हमने फिर बात करनी इन इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो उसमें क्या होता है कि ये इसके अंदर जो है डेटा मॉडल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। मैनिपुलेटिव पार्ट होता है विच एक्चुअली डिफाइन्स द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट आर अलाउड ऑन द डेटा, और दूसरा होता है सेट ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली कहते हैं कुछ रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होती है जो हम अपने रिलेशन पे अप्लाई करते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि हमने अपने डेटाबेस पर कंसिस्टेंट स्टेट में रखना होता है। अभी जैसे हम इसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे कि अगर हम ये अप्लाई ना करें तो उस सूरत में हो सकता है कि जो हमारा डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है। जो डेटा इनकंसिस्टेंट होता है वो एक्यूरेट पे नहीं होता, उसके ऊपर फिर ये डाउट होता है कि इस ये जो डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं। अच्छा,
उसके बाद क्या है कि एवरी एट्रीब्यूट हैज एसोसिएटेड एवरी एट्रीब्यूट हैज एन एसोसिएटेड डोमेन देयर आर कंस्ट्रेंट कॉल्ड डोमेन कंस्ट्रेंट दैट फॉर्म रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेट वैल्यूज अलाउड फॉर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन. तो डोमेन कंस्ट्रेंट्स में ये होता है कि ये हमने देखा था कि डोमेन होती है उसका मतलब सिर्फ वो ये एक्चुअली डिफाइन करती है कि इस एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यूज जो है वो आ सकती हैं. अभी हमने शुरू में हमने देखा था कि हम ब्रांच जैसे डोमेन है तो उसके हम एक डोमेन डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रांच नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकते हैं. तो उसके अलावा ब्रांच नंबर जो है वो नहीं हो सकते. तो इस तरह से जो है वो डोमेन कंस्ट्रेंट्स सबसे पहले जो है वो होते हैं. इन एडिशन देयर आर टू इंपॉर्टेंट इंटीग्रिटी रूल्स व्हिच आर कंस्ट्रेंट्स और रिस्ट्रिक्शन दैट अप्लाई टू ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द डेटाबेस. और वो है वो एंटिटी इंटीग्रिटी है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. इन दोनों को भी जो है वो भी हम देखते हैं. तो ये दो बड़े बेसिक आप कहने के बेसिक आप इस तरह से कहने के रूल होते हैं. और अदर टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर मल्टीप्लिसिटी एंड जनरल कंस्ट्रेंट्स. तो अभी आगे चल के जस्ट इन नेक्स्ट स्लाइड हम इनको एंटिटी इंटीग्रिटी और डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को इसको हम देखेंगे और फिर उसके बाद जनरल कंस्ट्रेंट को देखेंगे. ये जो मल्टीप्लिसिटी वाला है इसको फिर हम अगले चैप्टर्स में जाके जो है वो हम देखेंगे. तो इससे पहले कि हम ये जो कंस्ट्रेंट है इसको डिस्कस करें तो पहले हमने डिस्कस करना है व्हाट इज नल. तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है कि नल क्या होता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज है. आमतौर पर हम ये समझते हैं कि नल इज इक्वल टू जीरो. अगर जीरो होगा तो उसका मतलब है कि नल है, लेकिन एक्चुअली इस तरह से जो है नहीं है. जीरो इज अ वैल्यू. या आप कहते हैं कि जो स्पेस है, स्पेस चूंकि नजर नहीं आती, जैसे ये स्पेस है तो हम कहते हैं कि स्पेस इज मीन्स नो वैल्यू. ये भी गलत है. तो ये इसको इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये जो है ये देख रहे हैं. नल रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट दैट इज करंटली अननोन और इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस टूपल. यानी अननोन वैल्यू है उसको आप कह रहे हैं. नल कैन बी टेकन टू मीन द लॉजिकल वैल्यू अननोन नो वैल्यू. इसका मतलब है कि वैल्यू नहीं बल्कि नो वैल्यू. इट कैन मीन दैट अ वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर टूपल और इट कुड मेनली मीन दैट नो वैल्यू हैज येट बीन सप्लाइड. नल्स आर अ वे टू डील विद इनकम्प्लीट और एक्सेप्शनल डेटा. तो उसमें जिस तरह से अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जिस तरह से नया एम्प्लॉय आया है और उसको अभी कोई ब्रांच जो है ना वो एलोकेट नहीं हुई है, तो अब बजाय उसको फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो उसका ब्रांच नंबर होगा हम उसको नल कर सकते हैं. ठीक है, हम उसको अगर कोई वैल्यू दे दे तो जीरो दे दे, लेट्स से जीरो हम वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल. तो जीरो का मतलब है कि हमने उसको ब्रांच नंबर जीरो एलोकेट कर दिया. नल का मतलब है कि नो वैल्यू, अभी इसको साइन नहीं हुई है. तो जब हम अपने एक तरह से कह लें कि एप्लीकेशन उसको देखेंगे, एप्लीकेशन जो हमारी होगी, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, तो उसमें देखेंगे, जब वो देखेगा कि ब्रांच नंबर नल है तो उसका मतलब है कि इसको कोई वैल्यू असाइन जो है वो नहीं हुई है. तो ये इसका जो है वो मतलब होगा. हाउएवर अ नल इज नॉट अ सेम एज जीरो जीरो न्यूमेरिक वैल्यू और अ टेक्स्ट स्ट्रिंग फिल्ड विद स्पेसेस. जीरो स्पेसेस आर वैल्यूज बट अ नल रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ वैल्यूज. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि हम बाज का जो प्रोग्रामिंग में लोग काम करते हैं तो वो ये कह देते हैं कि जो जीरो है दैट्स मीन नो वैल्यू. तो वो चीज़ जो है वो गलत है. इसको इसको जो है ना कन्फ्यूज नहीं करना. इन डेटाबेस नल मीन नो वैल्यू, जीरो एंड स्पेस ये वैल्यूज हैं, ये प्रॉपर वैल्यूज है. इसको इसके साथ कन्फ्यूज है वो नहीं करना. तो नल को आप उस वक्त यूज करेंगे. देयरफॉर नल शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर वैल्यूज. तो जो प्राइमरी की होती है उसमें नल अलाउ नहीं होता, लेकिन जो फॉरन की जब हम लेते हैं तो जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे तो या फॉरन की भी होगी उसमें नल जो है वो अलाउ हो जाता है. वो उसको जो है वो हम उसको फिर अलाउ कर देते हैं. Nulls can cause implementation problem arising from the fact that the relational model is based on the first order predicate calculus which has two valued or boolean logic. The only values allowed are true or false. Allowing nulls means that we have to work with a higher valued logic such as three or four valued logic. तो ये चूंकि वो कोड ने सारा काम ये आप कहने के implementation की detail है ना, कि अगर फर्ज करें कि ये इस तरह से अगर हमने कोई value नहीं show करनी फिर हम क्या करें, हम उसको किस तरह से डील करें. तो उसका एक तरीका ये था. अभी जैसे अभी हमने एक पीछे हमने एक जो देखा एक हमने जो मॉडल देखा, तो इस मॉडल में यहाँ पे ये है कि ये मैं आपको कहाँ गया, ये वाला ये जो मॉडल देखा इसमें देखें कि यहाँ पे एक चीज़ है कमेंट. ठीक है, एक ये व्यूइंग का एक टेबल है. बेसिकली कर रहा है कि जो प्रॉपर्टी कोई क्लाइंट जो है वो व्यू कर रहा है तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो सेव करता जा रहा है. तो अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि व्यू डेट और कमेंट उसका सेव करें. अब एक क्लाइंट है वो कमेंट नहीं देना चाहता, तो फिर
भाई मर्जी है उसकी, नहीं देना चाहता तो ना दे, इट्स ओके, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। अगर हम इस तरह से करें, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर हम ये कहेंगे कि जो नल्स है वो अलाउ नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हम उसको क्लाइंट को कहेंगे नहीं भी कुछ कमेंट देके जाओ। अब ये चीज़ तो अनॉइंग भी हो सकती है कि वो कहे मैं नहीं देता, मेरी मर्जी है, मैं नहीं कोई कमेंट देता, या वो गुस्से में आके वो गलत कमेंट कर दे, तो फिर आप उसका क्या कर लेंगे। तो इसलिए जो है ये एक रियल लाइफ एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि ऐसे हो सकता है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं उसमें नल वैल्यूज हो सकती हैं, इट इज़ पॉसिबल। तो ये स्पेसिफिकली जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें फिर हम ये काम जो कर सकते हैं कि हम उनको हम ये कह सकते हैं कि जो उनको हम फिर ये कह सकते हैं ठीक है कि हमने कोई वैल्यू नहीं देनी, तो फिर हम उसको वहाँ पे नल अलाउ कर सकते हैं। तो ये करना पड़ता है, फिर ये एक्सप्लिसिटली आपको करना पड़ता है कि उसमें अलाउ नल का एक ऑप्शन होता है। तो ये आप उसके डेटाबेस के जो उसमें आप कह लें कि उसकी जो सेटिंग होती है उस पर जाके आप उसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे हमने बात की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उसमें जो पहला कंस्ट्रेंट है वो है इंटेग्रिटी, एंटिटी इंटेग्रिटी। तो जो ये एंटिटी इंटेग्रिटी का जो ये कंस्ट्रेंट है, ये अप्लाई होता है प्राइमरी कीज पे। प्राइमरी कीज ऑफ बेस रिलेशन, जो हमारी बेस रिलेशन होगी उस पे जो है वो अप्लाई होता है। और ये एक्चुअली क्या है कि इन द बेस रिलेशन नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की कैन बी नल। तो उसमें क्या है कि जो प्राइमरी की होगी इसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकती, नल्स आर नॉट अलाउड इन प्राइमरी की। अच्छा, बाय डेफिनेशन द प्राइमरी की इज मिनिमम आइडेंटिफायर दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई टुपल्स यूनिकली। मिनिमम का मतलब ये है कि टिपिकली ये एक कॉलम होता है, एक एट्रीब्यूट जो है वो हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात केसेस में ऐसे हो सकते हैं कि एक से ज़्यादा भी जो है वो हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट नो सबसेट ऑफ प्राइमरी की इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड वीक आइडेंटिफिकेशन ऑफ टुपल। इफ यू अलाउ अ नल फॉर एनी पार्ट ऑफ द प्राइमरी की, वी आर इंप्लाइंग दैट नॉट ऑल द एट्रीब्यूट्स आर नीडेड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टपल व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की। तो अगर उसमें उसका इसका इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम नल्स अलाउ कर देते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम फिर एट्रीब्यूट्स को वो फिर हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि नल का मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू। अगर दो टुपल ऐसे हैं कि जिसमें आपने नल्स अलाउ कर दिए, तो फिर आप उन उन उस टुपल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे आप कह सकते हैं कि दो टुपल्स हैं वो डिफरेंट है। तो प्राइमरी की तो हमने बनाई इसलिए कि हम टुपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, ताकि टुपल्स जो हैं वो रिपीट वो ना हो। उस पर्पस के लिए जो है वो हमने ये किया है कि हमने जो है वो नल्स को जो है वो उनको हमने अलाउ किया हुआ है, नल्स को अलाउ नहीं किया है। तो अगर हम अलाउ कर देते हैं फिर ये काम हम नहीं कर सकते, फिर हम टुपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई जो है वो नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने किया कि रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट होगा उसमें उसमें जो है वो नल्स अलाउ नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है वो रिफरेंशियल इंटेग्रिटी है। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है कि इफ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन आर रिलेशन, आइदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ कैंडिडेट की वैल्यू ऑफ सम टुपल इन इट्स होम रिलेशन, और द फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी होल इन नल। तो इसका मतलब जो है वो क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं, वो हमने जो पहले भी हमने डिस्कस किया यहीं पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा हुआ है कि ये एक ब्रांच नंबर जो है, ये ब्रांच के टेबल में तो प्राइमरी की है, लेकिन स्टाफ के नंबर में क्या है, ये फॉरन की है। अब ये इसमें ये है कि ये चीज़ जो है वो इसके इसके अंदर जब ये फॉरन की होगी, तो वो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे होनी चाहिए, इस यहाँ पे इस इसके अंदर जो है वो होनी चाहिए, जो इसकी बेस टेबल है इसके अंदर यहाँ पे इस एट्रीब्यूट में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो कि यहाँ पे ये इस बेस टेबल के इस ब्रांच नंबर में ना हो। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये वैल्यू इस बेस टेबल पे हो या फिर नल हो, बस ये दो पॉसिबिलिटीज जो है वो है। अच्छा, अब इसमें क्या है, अब उसका मतलब क्या है, फर्ज करें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें कि ब्रांचेस नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक चेंज करके ना यहाँ पे लिख देता हूँ P00 से। अब मसला यहाँ पे क्या पड़ा है, मसला यहाँ पे क्या पड़ा है कि ये तो ब्रांच है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पे, इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। जब आप इसको ट्रेस बैक करेंगे तो आपको तो पता चलेगा, जब आप फर्ज करेंगे, आप कहते हैं कि ये उसको एम्प्लॉय है, जैसे ये डेविड है, डेविड को कहते हैं जो भी ब्रांच 006 है ना, इसको जाके ज्वाइन कर लो। वो जब देखता है
पता चलता है कि ये तो ब्रांच एग्जिस्ट ही नहीं करती. दिस इज पेन डेट, कि इस वजह से क्या है कि यहाँ पे फॉरन की में जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे बेस बेस टेबल के यहाँ पे इसके अंदर जो है वो होनी चाहिए, या फिर क्या है कि नल हो. नल का मतलब ये है कि इस बंदे को अभी कोई ब्रांच एलोकेट नहीं हुई है, बाद में जो है वो हम एलोकेट इसको जो है वो करेंगे, फिलहाल जो है इसको कोई ब्रांच एलोकेट जो है वो नहीं है. तो ये जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है इसका मतलब जो है वो ये है. अच्छा ये हो गया इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल ब्रांच नंबर इन स्टाफ रिलेशन इज अ फॉरन की टारगेटिंग द ब्रांच नंबर एट्रीब्यूट इन द होम रिलेशन ब्रांच. ये मैंने अभी वही एग्जाम्पल आपको दिए. इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू क्रिएट अ स्टाफ रिकॉर्ड विद द ब्रांच नंबर B0025. ये मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दी कि कोई भी स्टाफ का रिकॉर्ड जो है वो ब्रांच नंबर नहीं इसके साथ नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अनलेस देयर इज ऑलरेडी अ रिकॉर्ड ऑफ ब्रांच नंबर B025 इन द ब्रांच रिलेशन. तो अगर इसका ये ब्रांच नंबर जो है ये अगर बेस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करा तो फिर ये रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए. उसकी वजह ये है कि ये फिर इसका मतलब ये है कि ये ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती, हमने खुद से फिक्शनली जो है ना ये हमने क्रिएट कर ली है, ये तो है ही नहीं ब्रांच, इस नाम के तो कोई ब्रांच ही नहीं है. अच्छा दूसरे क्या है, हाउएवर वी शुड बी एबल टू क्रिएट अ न्यू स्टाफ रिकॉर्ड विद अ नल ब्रांच नंबर टू अलाउ फॉर दिस सिचुएशन वेयर अ न्यू मेंबर ऑफ स्टाफ हैज जॉइंड द कंपनी बट हैज नॉट येट बीन असाइन टू अ पर्टिकुलर ब्रांच ऑफिस. तो ये इसका जो मतलब है, या तो ये होगा कि वो उसका जो रिकॉर्ड है वो बेस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर आप उसको नल कर दें, बस ये दो पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा नहीं है. अब आप फर्ज करेंगे अगर हम ये अलाउ कर देते हैं कि आप कोई भी ब्रांच नंबर दे सकते हैं, फर्ज करें. अब हमने तो बताया हुआ ना कि ये जो फॉरन की है ये प्राइमरी की है, तो वो ऑटोमेटिकली जो डेटाबेस है वो इस चीज़ को कर लेगा कि वो कोई इस तरह का ब्रांच नंबर अलाउ ही नहीं करेगा जो कि जिसका कोई रिकॉर्ड या बेस रिलेशन में नहीं है. लेकिन अगर वो अलाउ कर दे तो फिर क्या होगा, फिर उसका मतलब ये है कि ऐसी ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. तो जब आप उनको उसको करना चाहेंगे तो फिर वो एक इनकंसिस्टेंट डेटाबेस होगा आपका. आप कह रहे होंगे देखिए ये ब्रांच नंबर है कहाँ पे, किस ब्रांच नंबर की बात हो रही है, ये एम्प्लॉई एक है उसको जो ब्रांच एलोकेट की गई उसका तो वजूद ही कहीं पे नहीं है. तो दिस इज द रीजन, इस सारे सिनेरियो का मकसद जो है वो ये है. तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं, एक जिसे कहते हैं कि एंटिटी इंटेग्रिटी और दूसरा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी. ये बेस है, समझ लेंगे इसी से जो है वो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट स्टेट में जो है वो रहेगा. अच्छा उसके अलावा जनरल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं. जनरल कॉन्स्टेंट ये हो सकते हैं कि आप जिस तरह से हम कहते हैं कि भी कोई रेंज डिफाइन कर देते हैं, या अगर आप किसी ब्रांच में नंबर ऑफ स्टाफ्स का कर देते हैं कि भी उसमें आप कह देते हैं कि उसमें कितने स्टाफ नंबर लाना, तो उसको हम कह देते हैं दीज आर जनरल कॉन्स्टेंट. और ये डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि ये इंटेग्रिटी और एंटिटी जो सॉरी रेफरेंशियल और एंटिटी जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये तो सब पे अप्लाई होते हैं ना, पूरे डेटाबेस को अप्लाई होते हैं. लेकिन जो जनरल कॉन्स्टेंट है ये इंटरप्राइज की है, वो कंपनी की मर्जी है कि वो अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता. जैसे फर्ज करें कि हम क्या करते हैं कि हम मार्क्स देते हैं तो हम कहते हैं आउट ऑफ 100 जो है वो होने चाहिए. हमने डिविजन इस तरह से की हुई है कि 80+20 की हमने की हुई है कि 80 मार्क्स का फाइनल और 20 का इस तरह, तो इस तरह से हम उसको ज्यादा वो हम कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल चाहे तो वो चाहे 1000 में से दे दे, उसकी मर्जी है जिस तरह से वो उसको करना चाहे उसको जो है वो कर सकते हैं. तो दीज आर एक्चुअली जनरल कॉन्स्टेंट्स. यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क, फिर हम जो है ना वो फिर आगे चलते हैं. तो व्यूज को देखना हमने, व्हाट आर व्यूज. तो व्यूज जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये एक्चुअली क्या है कि दीज आर वर्चुअल टेबल्स. तो इसमें फिर क्या होता है कि हर यूजर का मलहदा से एक व्यू जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, तो हम उसको हम कह देते हैं व्यू कह देते हैं. तो ये भी एक जो हमारा ये जो रिलेशन डेटाबेस है इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. एन एक्सटर्नल व्यू एज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एट इट एज इट अपीयर्स टू अ पर्टिकुलर यूजर. तो हर यूजर का अपना जो है व्यू होता है. In the relational model, the word view has a slightly different meaning. Rather than being the entire external model of a user's view, the view is a virtual derived relation. ठीक है, ये वही चीज बात कर रहे हैं कि ये virtual table है, और या इसको derived relation जो है, ये derived table जो है, उसको हम कह देते हैं. A relational that does not necessarily exist in its own right, but may be dynamically derived from one or more
बेस ले से। तो एक जो व्यू होता है वो एक टेबल में से भी हो सकता है और एक से ज्यादा टेबल में से भी हो सकता है। टिपिकली होता है कि हम एक क्यूरी लिखते हैं, उस क्यूरी के नतीजे में जो हमें डेटा मिलता है हम उसको एक यूजर को एक टेबल की फॉर्म में या एक व्यू के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम कह देते हैं व्यू कह देते हैं। तो यूजर ये समझता है कि ये एक ही टेबल है, लेकिन इनफैक्ट वो एक टेबल नहीं होता, वो ये पॉसिबल है कि एक से ज्यादा टेबल जो है उसमें से जो है वो आ रहा है, लेकिन यूजर ये समझता है कि ये एक ही टेबल है, उसको इस चीज से नहीं होता कि एक टेबल में डेटा दो में से है, इसके साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है। दस एन एक्सटर्नल मॉडल कैन कंसिस्ट ऑफ बोथ बेस कॉन्सेप्चुअल एवलुएशन एंड व्यूज ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस रिलेशन। अच्छा इसमें क्या है, बेस रिलेशन क्या होती है, नेम रिलेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एंटिटी इन द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा हूज टपल्स आर फिजिकली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, उसको हम कह देते हैं बेस रिलेशन कह देते हैं। और व्यू क्या होता है कि द डायनेमिक रिजल्ट ऑफ वन और मोर रिलेशन ऑपरेशन ऑपरेटिंग ऑन द बेस रिलेशन टू प्रोड्यूस द अनदर रिलेशन। तो यहाँ पे चूंकि हमने वो डिस्कस नहीं किया, इसकी हमने बात नहीं की, तो एक्चुअली क्या होता है कि वो क्यूरीज होती हैं, वो क्यूरी हम एक लिखते हैं। सबसे जो पॉपुलर है इस तरह की जो जो आमतौर पे व्यूज क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं उसको हम कह देते हैं सेलेक्ट क्यूरी कह देते हैं। जैसे हम कह देते हैं सेक्स स्टेरिक फ्रॉम आप कहने के लिए ब्रांच, इस तरह से कह दें। अब जब हम ये करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि व्यू क्रिएट होगा और वो व्यू जो है वो क्या होगा कि उसमें ब्रांच का जितना भी डेटा वो सारे का सारा जो है वो आ जाएगा। तो ये इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट चैप्टर में जाके जो है उसको हमने डिटेल से जो है वो देखना है। अ व्यू इज अ वर्चुअल रिलेशन दैट डज नॉट नेसेसरीली एग्जिस्ट इन द डेटाबेस बट कैन बी प्रोड्यूस अपॉन रिक्वेस्ट बाय अ पर्टिकुलर यूजर एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। तो इसमें होता ही है कि चूंकि यूजर की रिक्वेस्ट है वो डिफरेंट हो सकती है, तो इसलिए व्यू भी डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर यूजर का व्यू जो है वो सेम होगा। So this is not necessary, ये जरूरी चीज जो है वो नहीं है। A view is a relation that appears to the user to exist, can be manipulated as if it were a base relation, but does not necessarily exist in storage. In the sense that the base relation do अच्छा ये कि ये इसको ऐसे manipulate, यूजर इसको बिल्कुल ऐसे समझता है कि जैसे एक actual table है, लेकिन in fact ये actual table जो है वो नहीं होता, ये physically exist नहीं करता, ये सिर्फ temporarily इसको create किया जाता है। और जैसे ही यूजर जो है उसको अपना वो फॉर्म या एप्लीकेशन क्लोज करता है तो साथ ही ये व्यू भी जो है ये भी जो है वो खत्म हो जाता है। सिर्फ जो बेस रिलेशन है, जो एक्चुअल आपका टेबल है, वही सिर्फ जो है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, व्यू जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। द कंटेंट्स ऑफ व्यू आर डिफाइंड एज अ क्यूरी ऑन वन और मोर बेस रिलेशन। ये क्यूरी के भी जो है वो मैंने बात की थी कि आप क्यूरी जो है वो एक टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें एक से ज्यादा टेबल भी जो है वो भी आप कर सकते हैं। Any operation on the view is automatically translated into operation on the relation from which it is derived. Views are dynamic. अच्छा ये इसको पहले देख लें किसका मतलब है कि अगर आप कोई चेंज करते हैं सपोज के व्यू के अंदर की वैल्यू चेंज करते हैं या आपको इतना परमिट किया जाता है कि आप उसमें जो वैल्यू को अगर आप चेंज कर लें तो वो फिर क्या होगा कि फिर वो उस रिलेशन पे ट्रांसफर होगा कि जिससे उस डाटा को ड्राइव किया गया। अगर एक ही टेबल पे है तो उसी टेबल पे सिर्फ अप्लाई होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा टेबल पे है, जैसे फर्ज करें कि आपने ब्रांच में से एक लिया है, कोई ब्रांच में से आप कोई डाटा ले रहे हैं, जैसे हम ब्रांच का टेबल देख रहे थे, तो उसमें आप क्या करते हैं कि उसका कोई सिटी चेंज कर देते हैं या कोई इस तरह से चेंज कर देते हैं, तो फिर उस टेबल पे जाके फिर अप्लाई, यानी कि आपने मॉडिफाई कर दिया एक तरह से वो डाटा जो है वो अपडेट कर दिए। व्यूज आर डायनेमिक मीनिंग दैट द चेंजेस मेड टू द बेस रिलेशन दैट अफेक्ट द व्यू आर इमीडिएटली अफेक्टेड इन द व्यू। तो वो उसमें ये होता है कि जब आप कोई बेस में रिलेशन में कुछ चेंज करते हैं तो वो फिर फौरी तौर पे व्यू में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इमीडिएटली हो जाती है। अच्छा पर्पस क्या है, व्यू इज अ मैकेनिज्म डिजायरेबल सेवरल रीजन। उसमें जो पहला रीजन जो है वो क्या है कि इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल सिक्योरिटी मैकेनिज्म बाय हाइडिंग पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम सर्टेन यूजर। यूजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एट्रीब्यूट्स ऑर टपल्स दैट आर मिसिंग फ्रॉम द व्यू। तो अब यूजर को नहीं पता होता कि यूजर को हम सिर्फ वही चीज दिखाते हैं, ये हम शुरू में भी बात कर चुके हैं कि जो आपके जो डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो एक चीज है वो ये है कि किस किसको कितना कितना जो है ना वो दिखाना है। ये नहीं कि आपने खुला खुला कर दिया ठीक है जो मर्जी है और डेटाबेस को जैसे मर्जी एक्सेस करे। तो ये इस चीज को इन्फोर्स करने के लिए कि हम सिर्फ यूजर की जो प्रिविलेज है उसके मुताबिक ही सिर्फ उसको हम उसको डेटा दें, तो हम ये व्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसमें से क्या होता है कि अभी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये मैंने लिखे इस तरह से सेलेक्ट क्यूरी जो है ये लिखी,
तो सिलेक्ट स्टैटिक लिख दिया, इसका मतलब है कि सारे सारे कॉलम। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं कह सकता हूँ कि ब्रांच नंबर और सिटी, इस तरह से कर सकता हूँ कि ब्रांच नंबर और सिटी। स्टैटिक जो है वो नहीं करना, सिर्फ ब्रांच नंबर सिटी करना है। अब उस पूरे टेबल में से फ्रॉम ब्रांच, तो इसमें अब क्या होगा कि ये क्या करेगा कि सिर्फ इसको यूजर को सिर्फ ये दो एट्रीब्यूट सिखाएगा, ब्रांच नंबर और सिटी, बाकी जो दो एट्रीब्यूट है वो उससे हाइड होंगे। अब उस यूजर को ये पता ही नहीं होगा कि इसके दो कॉलम्स और भी हैं, वो समझ रहा होगा कि टेबल के सिर्फ दो ही कॉलम है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप टुपल्स भी हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसमें से जो है वो वेयर क्लास जो है हम यूज करते हैं, वेयर क्लास में हम कंडीशन दे देते हैं। जैसे आप कह देते हैं कि आप सिटी इज इक्वल टू लंदन कर लें फॉर एग्जाम्पल, अब वो सिर्फ वो ब्रांचेस शो करेगा जो लंदन की ब्रांचेज हैं, लंदन से बाहर की ब्रांचेज जो है वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यूजर को ये नहीं पता होगा कि इसके अलावा भी कोई ब्रांचेस, इसके अलावा भी कोई कॉड है, उसको बस जो रिकॉर्ड सामने नजर आ गए दैट आर इनफ, दोज आर इनफ। और वो उसके प्रिविलेज के मुताबिक है, जो उसको प्रिविलेज दी गई है जितना उसका उसका लेवल है उसके मुताबिक है। इट परमिट्स यूजर टू एक्सेस डेटा इन अ वे दैट इज कस्टमाइज टू देयर नीड्स, सो दैट द सेम डेटा कैन बी सीन बाय डिफरेंट यूजर इन डिफरेंट वेज एट द सेम टाइम। तो उसके अलावा क्या है कि ये यूजर मतलब डिफरेंट यूजर्स है ना, वो उनको जो जो चीज जो जिस तरह का उनको डाटा चाहिए उस तरह का उसको हम जो है वो दिखा देते हैं। जो अननेसेसरी डाटा है वो फिर हम उसको जो है वो नहीं दिखाते। तो ये इसका इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक पर्पज है। इट कैन सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑन द बेस रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल इफ यूज डिफाइंड एज अ कम्बिनेशन या ज्वाइन ऑफ टू रिलेशन, यूजर मे नाउ परफॉर्म मोर सिंपल ऑपरेशन ऑन द व्यू व्हिच विल ट्रांसलेटेड बाय द डीबीएमएस इनटू इक्वल ऑपरेशन ऑन द ज्वाइन। तो ये ज्वाइंस को भी इसको भी इनसे लग जाके देखेंगे आगे चल के। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम दो टेबल्स को आपस को जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि क्यूरी के में जब इस तरह से वो हमें ज्वाइन करने में कोई हमें रिजल्ट मिलता है, हम उसको एक टेबल के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो काफी वो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होती है, लेकिन ऐसे लगता है कि दिस इज वेरी सिंपल टास्क जो है ये है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ये पर्पज क्या है इसका, तो पर्पज इसका जो है वो क्या है, विच शुड बी डिजाइन टू सपोर्ट द एक्सटर्नल मॉडल दैट ए यूजर फाइंड फेमिलियर। फॉर एग्जाम्पल अ यूजर माइट नीड ब्रांच टुपल दैट कैन द नेम्स ऑफ मैनेजर as well as other attributes already in the branch. The view is created by combining the branch relation with the restricted form of the staff relation where the staff position is manager. तो ये भी मैं आपको बता रहा कि एक व्यू में से भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा व्यू में भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे उसने कह दी दो दो टेबल में से हम लेंगे, एक ब्रांच में से एक स्टाफ में से, और रिस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे कि जो स्टाफ पोजीशन है वो मैनेजर की होनी चाहिए। तो ये सिर्फ वही डाटा रिटर्न करेगा जो कि मैनेजर होंगे सारे, बाकियों को जो वो नहीं करेगा। Some members of the staff should see staff tuple without the salary attribute. Salary attribute जो है वो आप उसको hide कर सकते हैं। Attributes may be renamed or the order of attributes change. For example, the user accustomed to calling the branch number attribute of branches by the full name branch number may be see the column heading. तो अच्छा, ये इसमें दो चीजें होती है कि आमतौर पे हम क्या करते हैं कि जब हम वेरिएबल लिखते हैं तो उसमें हम फिर स्पेस जो है वो हम उसमें नाम में स्पेस जो है वो नहीं देते। ये प्रोग्रामिंग ये कन्वेंशन है, ये आप देख चुके होंगे। तो इस तरह ब्रांच नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन अगर ये अगर कोई आम बंदा जो है ना पढ़े वो तो उसको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा यार ये किस तरह से लिखा हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं वो थोड़े से जरा टची होते हैं इस मामले में, तो हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ इस तरह से इसको ब्रीफ लिखने के, हम इस तरह से पूरा ब्रांच नंबर लिख सकते हैं, ब्रांच नंबर। अब यूजर को जब शो होगा ना, यूजर को उस टेबल में जब शो होगा तो वो होगा, अच्छा इसमें इस तरह से होता है कि हमने करना सिर्फ क्या है कि सिलेक्ट क्यूरी है ना, तो सिलेक्ट क्यूरी में हमने इस तरह से बनाना एस ब्रांच नंबर। तो जब क्यूरी आएगी तो उसे होगा ऐसे पूरा पूरा नंबर जो लिखा होगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा उसको एलिगेंट लगेगा कि हाँ यार ये पूरा लिखा हुआ, ब्रांच नंबर है, पोजीशन है, ये सैलरी एट्रीब्यूट है, ये कौन सा एट्रीब्यूट, उसका सारी डिटेल जो है उसके सामने आएगी। Some member of the staff should see the property records only for those properties that they manage. इस तरह से आप कर सकते हो, ये user restriction की या user level access की बात आ गई, किस user को कितनी जो है वो कितना लो है कि कितना वो जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि updates है, ये बड़ा important है कि updates जो है ना वो किस तरह से हैं। All updates to a base relation should be immediately reflected in the views that reference that base relation. तो अगर base relation में कोई change होती है
तो इमिजिएटली उसका जो व्यू है वो चेंज हो जाता है। अगर आपने लेट्स से किसी ब्रांच का कोई एड्रेस चेंज किया या उसका सीडी चेंज किया तो वो इमिजिएटली व्यू के अंदर जो है वो आ जाएगा। वो हमने देखा था कि जो व्यूज है वो डायनेमिक होते हैं। अच्छा, सिमिलरली इफ द व्यूज अपडेटेड देन द अंडरलाइंग बेस रिलेशन शुड रिफ्लेक्ट द चेंज। तो अगर व्यू में को चेंज करते हैं तो फिर बेस रिलेशन में भी वो चेंज है वो होती है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो हमें जो है वो उसमें हमें करनी पड़ती है। एक चीज ये है कि आप बेस रिलेशन दो चीजें हैं, दो चीजों का आप इसको आप लेना। ये जो पहले पॉइंट की हमने बात की है ना, इसमें हमने ये कहा है कि अगर आपको बेस रिलेशन में चेंज करते हैं ना, उसमें कोई कोई आप उसमें कोई अपडेट करते हैं, फर्ज करें कि एक पर्सन है मैनेजर है, उसको उसको जो है वो अथॉरिटी है कि वो अपडेट कर सकता है, और एक कोई स्टाफ का कोई और बंदा है जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ है जो भी है, उसको जो है ना उसको अपडेट की परमिशन नहीं है। अगर मैनेजर ने ब्रांच का एड्रेस या ब्रांच कुछ कुछ चीज चेंज कर दी है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि स्टाफ जो देख रहा होगा ना उसको इमिजिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ ये है कि जो व्यू है उसमें चेंज हुई है, व्यू के अंदर आपने व्यू के थ्रू को चेंज किया, तो अब हमने क्या करना है कि बेस रिलेशन को भी उस चेंज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, उसमें पहली है कि अपडेट्स आर अलाउड थ्रू द व्यू टू फाइंड यूजिंग अ सिंपल क्वेरी इन्वॉल्विंग अ सिंगल बेस रिलेशन एंड कंटेनिंग आइदर द प्राइमरी की और द कैंडिडेट की ऑफ द बेस रिलेशन। पहली रिलेशन ये होगी कि एक ही टेबल से होना, एक ही टेबल होना चाहिए उसमें, उसके अंदर एक से ज्यादा टेबल उस व्यू के अंदर जो है वो नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर प्राइमरी की जो कैंडिडेट की है वो लाजमी उसके अंदर जो है वो उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। अपडेट्स आर नॉट अलाउड थ्रू व्यूज इन्वॉल्विंग मल्टीपल बेस रिलेशन। अगर एक व्यू एक से ज्यादा बेस रिलेशन है तो फिर अपडेट्स जो है वो अलाउड नहीं होते। अपडेट्स आर नॉट अलाउड थ्रू व्यूज इन्वॉल्विंग एग्रीगेशन और ग्रुपिंग ऑपरेशन। एग्रीगेशन बेसिकली क्या होता है कि इसमें आप क्या करते हैं, एक से ज्यादा जो उस पर जिस तरह से एक होते हैं ना, एज अच्छा एज आप किस तरह से करते हैं कि एज को स्टोर नहीं करते। एक चीज में आपको ये इंटरेस्टिंग था कि एज को स्टोर जो है वो नहीं करते। ये एज क्या होती है कि एज डायनेमिकली कैलकुलेट होती है, इसकी जगह पे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होता है, ये हमने सेव किया होता है। एज कभी भी क्योंकि एज तो चेंज होती है, डेली चेंज होती है, अब हम डेली उसको अपडेट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है कि कैलकुलेट होती है, जब आप एक एज का कॉलम लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ से एज जो है वो कैलकुलेट होगी। तो अब उसमें एज भी कोई चेंज नहीं हो सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप ये नहीं कर सकते कि इस बंदे की मैं एज चेंज कर दूं, वो नहीं होगा। चेंज क्या होगी, अगर होगी तो क्या होगी, वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो है वो चेंज होगी। तो दिस इज द थिंग। अच्छा, इस तरह से ये है कि जो क्लासेस जो व्यूज है जो जो मतलब जो लिटरेचर में जो बताई गई है कि क्लासेस कौन कौन सी हैं, थ्रेटिकली नॉट अपडेटेबल, थ्रेटिकली अपडेटेबल एंड पार्शली अपडेटेबल। तो ये तीन क्लासेस हैं, एक ये है कि जिनको बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं, एक ये है कि जिनको अपडेट कर सकते हैं, और एक वो है कि जिनको पार्शली अपडेट कर सकते हैं विद सब कंडीशन, इस तरह से हमने यहाँ पे ऊपर जो है ये हमने जो है वो बताई है। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर, यहाँ तक क्वेश्चन है तो वो आप उससे जो पूछ सकते हैं। तो वैसे ये है कि जो ये चैप्टर है ये आप